अच्छा हमने सैम्पलिंग uh, डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की बात की है लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडर्ड एवियेन बेसिकली स्टैंडर्ड एवियेसन क्या है हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है डिफरेंट सैम्पल्स निकाल के उनकी मीन्स निकाली है अब हमारे पास एक्स स्कोर की बजाय हमारे पास मीन्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स हम क्या करेंगे हम उसमें उसका स्टैंडर्ड इविएशन निकालेंगे जिसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ़ मीन क्यों कहते हैं क्योंकि वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स की स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन है जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन पढ़ी थी विच इज़ एक्स माइनस मीन यानी हर एक्स स्कोर का हम डिस्टेंस देखते हैं कि वो अपने मीन से कितना डिविएट कर रहा है इसी तरह सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब हमने स्टैंडर्ड एवियेसन कैलकुलेट करनी है तो वो हम देखेंगे कि हर मीन हर सैम्पल की मीन टोटल से कितना डिविएट कर रही है और हर दूसरे सैम्पल से कितना डिविएट कर रही है सो so बेसिकली uh, जितना सैंपल का और पॉपुलेशन का डिफरेंस ज़्यादा होगा यानी सैंपल मीन का और पॉपुलेशन मीन का तो हमारी स्टैंडर्ड एरर उतनी ही ज़्यादा होगी और जितने हमारे सैम्पल्स की मीन्स क्लोज़ क्लोज आएंगे हमारी स्टैंडर्ड एरर उतनी ही कम होगी फर्ज़ करें जैसे हमने टू थ्री फोर हमारी टोटल पॉपुलेशन है और हमने टू टू के सैंपल निकाले हैं पहला सैंपल मैंने निकाला है टू थ्री का और दूसरा सैंपल निकाला है फोर का इसकी जो टोटल मीन पॉपुलेशन है अगर ये तो इसकी मीन पॉपुलेशन की बनती है थ्री है ना, ना और मेरे इस सैंपल की मीन बनेगी टू पॉइंट फाइव और इसकी बनेगी थ्री ये अब ये टू पॉइंट फाइव और थ्री का जो डिस्टेंस है या डिफरेंस है बेसिकली हर सैंपल मीन का जो एक्चुअल पॉपुलेशन की मीन से डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर एरर क्यों क्योंकि हम लोग सैम्पल से एस्टिमेट कर रहे हैं पॉपुलेशन की मीन एंड दैट इज़ द मेन गोल क्यों क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा बताया कि हम मेनली बिगर पिक्चर में बिगर पॉपुलेशन में इंटरेस्टेड होते हैं तो अगर हमारी पॉपुलेशन को हम एस्टिमेट कर रहे हैं विद दिस सैम्पल स्टेटिस्टिक तो टू पॉइंट फाइव और थ्री के दरम्यान जो डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड एयर ऑफ मीन यानी दोनों के दरम्यान डिस्टेंस है सो so, इसको हम एम से भी डिनोट करते हैं हम इसको एसे भी डिनोट करते हैं Uh, लेकिन चूंकि हम सैम्पल की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको एम uh, से डिनोट करेंगे और विच इज स्टैंडर्ड एरर सब्ज इसमें ये मैंने लिखती है द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इसको कहेंगे इसके दो पर्पज हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के पहला पर्पज़ है कि स्टैंडर्ड एरर डिस्क्राइब्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग मीन्स एंड इट प्रोवाइड अ मेयर ऑफ हाउ मच डिफरेंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम वन सैम्पल टू अदर जैसे मैंने अभी आपको करके बताया है कि अगर मीन वन है तो उसका मीन टू से कितना डिस्टेंस है और मीन थ्री से कितना डिस्टेंस है यानी पहले सैंपल की दूसरे और तीसरे सैंपल का डिस्टेंस कितना है सो इट प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ हाउ मच डिफरेंस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम वन सैंपल टू द अदर और दूसरा ये कि स्टैंडर्ड एरर मेयर्स हाउ वेल एन इंडिविजुअल सैंपल मीन रिप्रजेंट्स द इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हम देखते हैं कि मीन वन का एक्चुअल म्यू के साथ कितना डिस्टेंस है जो पॉपुलेशन की मीन है सो so, ये दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो आप स्टैंडर्ड एरर और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोवाइड करती है यानी ना सिर्फ सैम्पल्स का आपस में कितना डिविएशन है या डिस्टेंस है बल्कि ऑल्सो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा आ रहा है सैम्पल का वो पॉपुलेशन से कितना वेरी कर रहा है और उसका हमारा कितना डिस्टेंस है द सिंबल फॉर द स्टैंडर्ड एरर इज जैसा मैंने अभी बताया पहले भी रिपिटेशन हो गई कि हम उसको uh, ऐसे भी डोनेट करते हैं और हम उसको ऐसे भी करते हैं और हम उसको ऐसे भी कर सकते हैं सेम थिंग द सिग्मा इंडिकेट्स दैट दिस वैल्यू इज अ स्टैंडर्ड डिविएशन एंड द सब्सक्रिप्शन एम इंडिकेट्स दैट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टैंडर्ड एरर इज डिटर्मेंड बाय टू फैक्टर्स यानी वो कितनी बड़ी होगी स्टैंडर्ड एरर कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी इसके लिए दो फैक्टर्स हैं पहला फैक्टर है कि साइज़ ऑफ द सैंपल जैसे जैसे हम सैंपल का साइज बड़ा करते जाएंगे हमारी स्टैंडर्ड uh, एरर कम होती जाएगी जैसे अगर हमें अभी हमने देखा है कि टू थ्री फोर अगर हमारी इंटायर पॉपुलेशन है और हम तीन का ही सैंपल निकाल लें या फर्ज़ करें हमारी टोटल पॉपुलेशन ये है और इसमें से मैं दो की बजाय तीन का सैंपल निकालूंगी तो मेरा पॉपुलेशन का और सैंपल मीन का डिस्टेंस कम होता जाएगा जैसे जैसे हम सैंपल का साइज़ बढ़ाते जाएंगे ज़्यादा तरह की वेरिएबिलिटी हमारे सैंपल में आती जाएगी तो वी विल पॉपुलेशन पापुलेशन डेविएशन मोर क्लोजली जिसका मतलब है कि उसकी सैंपल की डेविएशन में और पॉपुलेशन में आ, कम डिस्टेंस होगा और दूसरा है कि द स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ द पॉपुलेशन फ्राम विच दैम्पल इज सेलेक्टेड कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एवियेशन क्या है जस्ट टेक एन एग्जाम्पल अगर हमारी पॉपुलेशन वन ये है टू थ्री फोर फाइव और दूसरी हमारी पॉपुलेशन है टू फाइव टेन फिफ्टी अब हम अगर इसमें से सैम्पल निकालें और इसमें से सैम्पल निकालें तो किसका मीन का डिफरेंस पॉपुलेशन से ज़्यादा होगा परस करें इसका जो है इसके सेम्पल की इसमें मैं वन भी ऐड कर लेती हूँ ताकि स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना मिले आसान हो तो इसकी हमारी मीन बनती है सैम्पल की यानी म्यू पॉपुलेशन की बनेगी थ्री और इसमें हमारी पॉपुलेशन की म्यू बनेगी फिफ्टी प्लस टेन सिक्सटी सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन सिक्सटी एट डिवाइडेड बाय फाइव थर्टीन पॉइंट सिक्स ठीक है अब इसमें से अगर मैं टू टू का सैम्पल निकालूं तो मेरा फर्स्ट सैंपल निकल आया टू एंड थ्री मैं इधर ही करती हूँ इसको तो so इसमें अगर मेरा सैंपल निकालें तो टू एंड थ्री तो इसका मीन हमारा होगा टू पॉइंट फाइव विच इज़ नॉट दैट डिस्टिट फ्रॉम द पॉपुलेशन मीन लेकिन इसमें से अगर मैं निकालूं और मेरा सैम्पल निकल आए टू और फाइव या वन और टू निकल आए तो मेरी इसकी मीन कितनी होगी वन पॉइंट फाइव 1.5 पॉइंट इज़ फार बिलो देन द 13.6. सो अगर पॉपुलेशन के अंदर ही वेरिएबिलिटी इतनी ज़्यादा है तो फिर हमारा स्टैंडर्ड एरर का साइज़ बड़ा होने के ज़्यादा चांसेस हैं क्यों क्योंकि आप किस तरह का सैम्पल इसमें से निकालते हैं जैसे अगर मेरा ये वाला सैम्पल निकलाया है तो इसमें फिर मैं पॉपुलेशन से फार अवे हो गई जो उसका मेन था सो so, दो तरह से हमारी स्टैंडर्ड एरर इफेक्ट होती है नंबर वन सैम्पल साइज़ से अगर हम सैम्पल साइज़ बढ़ाते जाएँगे स्टैंडर्ड एरर का साइज कम होता जाएगा और दूसरी ये कि जो पेरेंट पॉपुलेशन असल पापुलेशन जिससे आपने सैम्पल निकाला है अगर उसके अंदर सेल्फ बहुत ज़्यादा अवेरेबलिटी है तो फिर भी स्टैंडर्ड एरर का साइज़ जो है वो बड़ा होगा या इफेक्ट होगा एज द सैंपल साइज इंक्रीजेज द एरर बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द पापुलेशन मीन शुड डिक्रीज हमने अभी देख भी लिया और एक्सप्लेन भी किया है कि जब हम सैम्पल साइज बढ़ाते जाएंगे तो हमारी स्टैंडर्ड एरर का साइज़ कम होता जाएगा और हम पॉपुलेशन की मीन को मोर क्लोजली अप्रोक्सीमेट या फिर आ, उसको हम एस्टिमेट ज़्यादा सही तरीके से या एक्यूरेटली हम कर सकते हैं दिस रूल्स इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स ये है कि जैसे जैसे हम एज द सैंपल साइज इंक्रीजेस, द मोर प्रॉबल दैट द सैम्पल मीन इज़ क्लोज टू द पॉपुलेशन मीन सो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का मतलब है कि आप सैम्पल का साइज़ बड़ा कर दें साम्पल में ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लें सो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ लार्ज नंबर का मतलब है कि इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन थर्टी तो इसका मतलब है कि हमारा सैम्पल साइज़ बड़ा है और हम उसको अगर प्लॉट करें तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज टू नॉर्मल होगा और उसके बाद फिर हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड स्टैंडर्डियेशन वन एन इज़ वन तो स्टैंडर्ड जैसे हमने कहा था कि अगर हम ऑल पॉसिबल सैंपल्स निकालें या बड़े सैंपल साइज निकालें तो हमारी जो मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो पॉपुलेशन मीन के इक्वल होगी इसी तरह अगर हमारा एन साइज वन हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स विच इज़ द स्टैंडर्ड एरर एक्चुअली इज़ आइडेंटिकल टू द स्टैंडर्डिएशन ऑफ द पॉपुलेशन यानी अगर आपका साइज एन है तो फिर आपकी Standard deviation of ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ would वुड equal इक्वल टू द deviation ऑफ द population. वैसे अगर हम इसमें फॉर्मूला अपना वही वाला लगा भी लें एन अंडर रूड एंड इफ एन इज वन तो इसका अंडर रूट लेंगे तो वन आएगा और उसको सिगमा पे डिवाइड करेंगे तो सिग्मा एग्जैक्टली exactly वही का वही रहेगा सो so, when n is वन

लेकिन आपने अभी सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टेटिस्टिक पर से मीन्स बनाते हैं तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स का स्टैंडर्ड एरर वुड बी इक्वल टू दिस और अगर जैसे हम सैम्पल साइज़ बढ़ाते जाएंगे द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज लार्जर सैम्पल आर मोर एक्यूरेट और दूसरी बात कि अगर हमारा सैम्पल साइज जस्ट एन वन हो तो फिर हमारी जो स्टैंडर्ड एरर है इट इज़ सेम एज द स्टैंडर्ड डिवियशन ऑफ द Sampling distribution of mean. Then, if n is one, then our standard deviation of the sampling distribution of means would be equal to the population uh, standard deviation. Or, if our n is large, then our standard deviation of the sampling distribution of means would be equal to sigma over n under root.